बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हम रेंजर्स का नायक जीडी का पेपर जो 2021 में हुआ था उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि रेंजर्स की तैयारी कैसे करें और कहां से करें। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ भी अवेलेबल है, एंड तक लाजमी देखिएगा, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था इंग्लिश के रिलेटेड। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, विच टेंस इज दिस। सो ये एक सेंटेंस है इट से लेकर मॉर्निंग तक। इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उस टेंस को कहते हैं जो काम गुजरे हुए वक़्त में शुरू हुआ और अब तक जारी है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। अगर इसके हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैव बीन और हैज़ बीन होते हैं। ये एक सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इसका उर्दू में मतलब है कि सुबह से लेकर अब तक बारिश हो रही है। सो ऐसा काम, ऐसा एक्शन जो किसी वक़्त में पास्ट में शुरू हुआ और अब तक जारी है, ख़त्म नहीं हुआ, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, कौन सा वर्ड है जो नाउन या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। सो वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि ये एडजेक्टिव एक सेंटेंस है कि ही इज़ अ बॉय। अब बॉय जो है एक नाउन है, कॉमन नाउन है। मैं कहता हूँ ही इज़ अ गुड बॉय। सो गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है जो कि बॉय एक नाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। सो इस तरह जो है एडजेक्टिव जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए नाउन या प्रोनाउन को काम आता है। दूसरा एक सेंटेंस है एग्जांपल के लिए, दिस इज़ अ नाइस पिक्चर। पिक्चर नाउन है, नाइस एडजेक्टिव है। अब नाइस क्या कर रहा है, पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहा है। सो इस तरह जो है ये नाइस क्या है, एडजेक्टिव है और पिक्चर नाउन है, इस तरह ये इसको डिस्क्राइब करने के काम आ रहा है। पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया। सो पाकिस्तान स्टडीज़ के रिलेटेड और इस्लामियात के जो सवाल होते हैं वो उर्दू में आते हैं, जो इंग्लिश के हैं वो इंग्लिश में ही आते हैं। पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया था। पाकिस्तान का नाम पंजाब के पे, शुमाली मगरबी सरहदी अफगानिया के अलिफ, कश्मीर के काफ, सिंध के सीन और बलूचिस्तान के तान का मरकब है। और इसके साथ साथ आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन है, आल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी। आल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी, जिसकी बुनियाद नवाब ख्वाजा समीउल्लाह ने 30 दिसंबर 1906 को रखी गई थी। इसके साथ साथ ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये किस सिटी में बनी थी और मुस्लिम लीग को कायद आजम ने कब ज्वाइन किया था, क्योंकि ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। कौमी असम्बली में कुल नशस्तों की तादाद कितनी है। सो कौमी असम्बली में कुल नशस्तों की तादाद 342 है और जनरल जो सीटें हैं वो 272 हैं। इसके साथ साथ 60 जो हैं ख्वातीन के लिए है, 10 नॉन मुस्लिम्स के लिए है। इस तरह 342 जो हैं टोटल नशस्तें हैं, टोटल कौमी असम्बली में सीटें हैं। पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर अली मिर्ज़ा थे, 23 मार्च 1956 को पहले सदर बने और आखिरी गवर्नर जनरल भी सिकंदर मिर्ज़ा ही थे। पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे, ख्वाजा नाजमुद्दीन पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल बने। पहले जिना थे, दूसरे ख्वाजा नाजमुद्दीन, तीसरे मलिक गुलाम मोहम्मद, चौथे जो थे और आखिरी जो थे सिकंदर मिर्ज़ा थे। चार गवर्नर जनरल्स रह चुके हैं पाकिस्तान में। कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरह मुबारक कौन सी है, कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरह मुबारक वो सूरह बकरा है और सबसे जो छोटी है वो सूरह कौसर है। सूरह बकरा में 286 वर्सेस हैं, 286 आयात हैं, 40 करीब रुकूज़ हैं और ये सेकंड सूरह और लॉन्गेस्ट सूरह है। इसके साथ साथ ये एक मदनी सूरह है। इस सूरत का नाम बताएं जिसमें बिस्मिल्लाह दो मरतबा आई है। सो सूरह नमल में दो मरतबा बिस्मिल्लाह आई है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस सूरह मुबारक का नाम बताएं जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं आई है। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद अपना टेस्ट testpoint.pk से ज़रूर दें, ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़कात की कितनी अकसाम होती हैं। सो ज़कात की दो अकसाम होती हैं, एक तो ज़कातुल माल, दूसरा ज़कातुल फितर। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ ज़कात। जामेउल कुरान कंपाइलर ऑफ द होली कुरान किसको कहा जाता है। सो हज़रत उस्मान को कहा जाता है जामेउल कुरान या फिर कंपाइलर ऑफ कुरान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजवाए बदर किस हिजरी में लड़ी गई थी? गजवाए बदर वाज फाट इन विच हिजरी? सो गजवाए बदर सेकेंड हिजरी को 17 रमज़ान को लड़ी गई थी, और इस दिन को यौमुल फुरकान या यौम फुरकान भी कहा जाता है। जंग जमल किन किन के दरमियान हुआ था? तो जंग जमल जो है ये हज़रत अली और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान लड़ी गई थी, और इनको बैटल ऑफ कैमल के नाम से भी जाना जाता है, और ये जंग बसरा के मकाम पर लड़ी गई थी, और ये 36 हिजरी को बसरा के मकाम पर ये जंग लड़ी गई थी। सबसे बड़ा बड़े आज़म कौन सा है? सबसे बड़ा जो बड़े आज़म है वो यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमरीका नहीं है, बल्कि हमारा एशिया है, यानी कि जहाँ पाकिस्तान है उसी बड़े आज़म में सबसे बड़ा बड़े आज़म है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी भी यहाँ है, सबसे ज़्यादा रकबा भी यहाँ है। बड़े बड़े ममालिक जैसे चाइना, इंडिया जो है, रशिया, पाकिस्तान, ये सारे एशिया में आते हैं। रशिया वैसे कुछ हिस्सा उसका यूरोप में भी है। इसके साथ साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिशें भी एशिया में होती हैं। दुनिया का डीपेस्ट लेक भी एशिया में है, और डीपेस्ट पॉइंट भी एशिया में है। इसके साथ साथ आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क चाइना, वो भी एशिया में है, और इसके साथ साथ एशिया में हाईएस्ट माउंटेन भी एशिया में है, और 10 जो बड़े बड़े हाईएस्ट माउंटेन्स हैं वो भी एशिया में पाए जाते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं एशिया के बारे में, और इसमें करीब 48 कंट्रीज़ हैं, और पाकिस्तान भी इसका ही कंट्री है। पाकिस्तान साउथ एशिया, जुनूबी एशिया का एक मुल्क है। सार्क का हेडक्वार्टर किस शहर में वाक़ है? सो सार्क का काठमांडू में है, काठमांडू नेपाल का कैपिटल है। सार्क को 8 दिसंबर 1985 को ढाका में कायम किया गया था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू में है। तुर्की के दारुलहुकूमत का नाम अनकरा है, और तुर्की अनकरा को 1923 में तुर्की का दारुलहुकूमत बनाया गया था। कौमी असम्बली में ख्वातीन की कितनी नशस्तें हैं? सो नेशनल असम्बली और सेनेट के बारे में आप ज़रूर याद रखें, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैं बता चुका हूँ कि टोटल सीटें 342 हैं, जिसमें 10 जो हैं ख्वातीन के लिए हैं, जनरल सीटें 272 हैं, 10 जो हैं ये नशस्तें अकलियतों के लिए हैं, और 60 जो हैं ये ख्वातीन वुमेन कोटा है। सो इस तरह सो है 342 टोटल सीटें हैं। ऑस्ट्रेलिया के दारुलहुकूमत का क्या नाम है? सो ऑस्ट्रेलिया भी एक मुल्क है जो कि एशिया में फाल करता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सिटी सिडनी है, जबकि इसका दारुलहुकूमत कैनबरा है। कैनबरा इज़ दी कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कायद आज़म ने 14 नुकात 1929 में नेहरू रिपोर्ट के रिस्पांस में पेश किए थे, मार्च 1929 में। सो 1929 इज़ दी करेक्ट आंसर। फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट न्यूटन है, न्यूटन का जो सिंबल है वो एन है, और इसके साथ साथ कट द ट्री, इसको पैसिव में चेंज करना है, यू आर ऑर्डर्ड टू कट द ट्री। सो ये इस तरह भी हो सकता है, लेट द ट्री बी कट, इस तरह भी पैसिव इसका बन सकता है, और ये जो है एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक ऑर्डर देखा गया है। सो ऑर्डर वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको पैसिव में बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, जबकि इनको पैसिव में बनाने के लिए यू से हम सेंटेंस शुरू करेंगे, फिर आर लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑर्डर्ड, फिर टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, फिर लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जिस तरह ये बनाया गया है। सो कम हेयर ये एक्टिव है, अगर हम इसको पैसिव में बनाएं तो यू आर ऑर्डर टू कम हेयर, ईट डिनर, यू आर ऑर्डर टू ईट डिनर। सो इस तरह इन सेंटेंसेस को हम पैसिव में बना सकते हैं। द बुक्स वर्ब, ये प्रेपोजिशन के रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रेपोजिशन भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। द बुक्स वर डैश द टेबल, सो यहाँ ऑन आएगा, द बुक्स वर ऑन द टेबल। प्रेपोजिशन दो इम्पोर्टेंट है, एक तो है ऑन, दूसरा है अपॉन। ऑन को हम प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट में, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ के बिल्कुल जो है ऊपर ही रखा हो, कॉन्टेक्ट में हो, दूर ना हो, उसे हम ऑन लगाते हैं। लेकिन कोई चीज़ मोशन में हो, मोशन के साथ किसी चीज़ के अंदर आ रहा हो या उसके ऊपर जा रहा हो, तो उधर हम अपॉन का यूज़ करते हैं। द बुक्स वर ऑन द टेबल, ये करेक्ट होगा। द डॉग जम्प्ड अपॉन द कैट, सो इस तरह से ये अपॉन का यूज़ किया जाता है, और इस तरह से ऑन का यूज़ किया जाता है।
इस पेपर के जो सवालात रह गए हैं उनको हासिल करने के लिए गूगल पर सिंपली सर्च करें testpoint.pk, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके साथ साथ हर पेपर में आने वाले सवालात को हासिल करने के लिए गूगल पर सर्च करें testpoint.pk। किसी भी महीने के करंट अफेयर्स हासिल करने के लिए यूट्यूब पर सर्च करें पाक MCQs ऑफिशियल, भी आप सर्च कर सकते हैं testpoint ऑफिशियल भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा, इस वीडियो लेक्चर की जो PDF है वो भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अपना टेस्ट जो है testpoint.pk पर ज़रूर दें, वहाँ आपको रेंजर्स के पास पेपर्स मिल जाएंगे, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।